किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है एंड एवरी पॉसिबल डायमेंशन अराउंड इट लेकिन हमारा करिकुलम जो बात नहीं करता वो है अबाउट बींग अंडर वेट अरे खाना खाओ ना ठीक हो जाओगे हेल्दी डाइट खानी चाहिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए एंड दैट्स ऑल क्या आप ये बात जानते हैं कि अंडर वेट होने की वजह से जो हेल्थ चैलेंजेस आते हैं वो ओबेसिटी या ओवरवेट होने की वजह से आने वाले जो सिवियरिटी है उनसे कहीं ज्यादा होता है जी हाँ आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि अंडर वेट है यानी कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 यानी कि 18.5 से कम है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है अगर आपको नहीं पता कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगी आप वहां पर जाकर सिंपल सी जानकारी डालकर अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और वापस आके इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं नमस्कार एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू द चैनल आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं रिसेंटली मैंने चैनल पर आप सभी के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर किया था जिसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया थैंक यू सो वेरी मच लेकिन वहां पर मोस्ट ऑफ द कॉमेंट्स वर टू टॉक अबाउट वेट गेन बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि ये टॉपिक भी है क्या जी हाँ ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम प्रिवलेज टू टॉक अबाउट इट कि कैसे आप लोग अपना वेट गेन कर सकते हैं इफ यू आर अंडर वेट अंडरवेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी की यू you नो know, एक बीज है अगर आप इसको फिक्स नहीं करते हैं तो लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ यू कैन हैव अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स स्पेशली मेडिकल कंडीशन टू पॉइंट सम सबसे इंपॉर्टेंट है लोअर इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जाती है अगर आपका वेट कम है कोविड के सिनेरियो में हम सबको समझ में आ चुका है कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है इसीलिए अगर आप अंडरवेट हैं तो आपका ऑलरेडी जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक होता है जिसको हमें फिक्स करना होता है अनदर थिंग बिकॉज ऑफ द लोअर इम्यूनिटी आपकी बॉडी इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन हो जाती है जो लोग अंडरवेट होते हैं उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगते हैं और जो इन्फेक्शन होता है वो काफी सिवियर लेवल तक चला जाता है ऑस्टोपरासिस यानी कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो काफी फ्रेजल होती हैं जिस वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑल्सो आपने अगर डिमेंशिया के बारे में नहीं पढ़ा है आई वुड सजेस्ट गो एंड रीड अबाउट इट तो ये कितनी हार्ट पॉइगनेंट है जो लोग अंडरवेट होते हैं वक्त के साथ उनकी मेमोरी लॉस होने के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं जी हाँ तो इसीलिए इसको क्योर करने के लिए हमें काफ़ी सारे एफर्ट लगाने होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल्सो अगर आप अंडरवेट हैं तो आपकी स्किन आपके बाल आपके तीत बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बहुत सारी परेशानियां बॉडी में ऐसी होती हैं जो कि अंडर वेट की वजह से हैं। जैसे ही आप अपना अंडर वेट का जो परेशानी है उसको फिक्स करेंगे ये चीजें अपने आप गायब होने लगती हैं जी हां ऑल्सो टू ऑल द ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर जिनके लिए मैं आज ये बातें कर रही हूं जिनको ये मैं सारी बातें आज बता रही हूँ आई रियली वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि बिना इंटेंशन यानी कि बिना नीयत के कोई भी चीज अचीव नहीं की जा सकती इसीलिए हैव दैट इंटेंशन वो नीयत रखिए कि मुझे ये करना है तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं आई कैन अश्योर यू दैट कैसे अश्योरेंस दे सकती हूं आई हैव बीन अंडरवेट माई सेल्फ जी हाँ टिल क्लास ट्वेल्थ आई वॉज एप्सोल्यूटली अंडर वेट मेरी हाइट है पांच फुट पांच इंच जो कि मैंने टेंटेटिवली अराउंड क्लास एट अचीव कर ली थी एंड अभी तक वैसे ही हाइट है फाइव फिट फाइव इंच एंड मेरा वेट वॉज लाइक समवेयर अराउंड फोर्टी ऑल द टाइम विच वेट फॉर श्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी ताने अभी मैंने आपको सुनाए हैं वो मैंने खुद सुने हुए हैं आई वॉज कॉल हैंगर उड़ जाऊंगी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई वॉज वेरी 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 लीन एंड इसीलिए आई मेड सर्टन वेरी स्ट्रांग चेंजेस इन माई लाइफ स्टाइल जिसकी वजह से मुझे मेरा प्रॉपर फिजिक आई वुड से वापस नहीं मिला मिला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई वेरी थिन वेरी वेरी थिन सो वॉट ऑल डिड आई डू इसके बारे में अब हम बात करते हैं तो प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा आई वुड सजेस्ट इफ यू वॉन्ट टू मेक सम नोट्स आई प्लीज मेक इट डाउन फॉर योर सेल्फ एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर सबसे पहले मैं आप सभी के सामने कुछ रीजन रखना चाहती हूं जिसकी वजह से परेशानी होती है, बढ़ती है अगर आपका भी ये रीजन है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रीजन को अच्छे से समझें और उसके बाद इसको फिक्स करें सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स आपकी फैमिली में चला आ रहा है अगर आपकी फैमिली में बहुत अरसे से बहुत लीन बॉडी स्ट्रक्चर है आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बहुत ध्यान से अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके और फिर फिक्स कीजिए बिकॉज इट हैज टू बी ट्रीटेड एट द वेरी वेरी स्मॉल स्मॉलर लेवल इन योर बॉडी नेक्स्ट इज योर स्ट्रेस इट इज समथिंग दैट इज इन योर हैंड्स एंड यू कैन फिक्स इट वेरी easily. स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी बॉडी में ऐसे नेगेटिव hormones secrete होते हैं जो कि आपका वेट anyways नहीं बढ़ने देते ये आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई कर देते हैं हाइपोथर दैट इज अगर आपको थायराइड की परेशानी है थायराइड इज अ ग्लैंड जो आपके मेटाबॉलिज्म पर ही काम करता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई हो जाता है तो आप जो भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर कंप्लीटली बॉडी से बाहर चला जाता है और मास को नहीं मिल पाता इस वजह से अगर आपको थायराइड है कंसल्ट योर डॉक्टर फिक्स इट एंड हैल्दी लाइफ स्टाइल अनदर थिंग कुड बी पीसीओडी या पीसीओएस अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम है तो भी आपका मेटाबॉलिक रेट ऊपर नीचे हो सकता है अगेन द हार्मोन गेम एंड उसके लिए भी आपको दवाइयाँ चाहिए एंड अ गुड लाइफ स्टाइल अनदर थिंग कुड भी स्टीरोयड्स अगर आप किसी भी तरह से स्टीरोइड्स लेते हैं चाहे टॉपिकल एप्लीकेशन चाहे कंजम्पशन तो ये आपकी बॉडी में बहुत सीवियरली आपको इफेक्ट कर सकता है इसीलिए अगर आप किसी भी स्टीरोयड का इस्तेमाल कर रहे हैं आई वुड सजेस्ट स्टॉप इट एट वंस नेक्स्ट क्वी गन इन टॉलरेंस नए बच्चों में यह परेशानी बहुत ज्यादा देखी जा रही है जिस वजह से उनका डेयरी बंद हो जाता है उनका होल ग्रेन बंद हो जाता है इस वजह से उनका जो डाइट चार्ट होता है वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जिन लोगों को ये परेशानी है उनको एट द अर्लीस्ट एक डाइटिशियन से मिलना चाहिए और एक बहुत ही अमेजिंग डाइट चार्ट अपने लिए प्रिपेयर करना चाहिए विच विल ऑब्वियसली एक्सक्लूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स और एक बहुत ही बेहतरीन सा डाइट चार्ट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए अन द रीजन कूड बी डायबिटीज कोविड के केसेस में जो जो डायबिटिक पेशेंट्स थे उन सबको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी हुई है इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप डायबिटिक हैं तो फिक्स इट येस इट इज फिक्सबल ये बिल्कुल किया जा सकता है योगा कीजिए मेडिटेट कीजिए और डायबिटीज विल बी आउट ऑफ योर बॉडी सो प्लीज़ वर्क ऑन इट वेरी 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 सिंसियरली इस केस में भी अगर आपको डायबिटीज है तो ये आपका मेटाबॉलिक रेट में बहुत इंटरवीन करती है जिस वजह से आपका वेट नहीं बढ़ पाता नेक्स्ट इज योर जो कि आपकी लोअर इम्यूनिटी की वजह से आती है तो यू ऑल एब्सोल्युटली नो कि कहां पर काम करना है आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है जिस वजह से ना तो आपको इंफेक्शन होंगे और इस वजह से आपका वेट भी बढ़ने लगेगा फिजिकल एंड मेंटल इलनेस जो की क्रॉनिक लेवल पर जा चुकी हो यानी कि अगर आपने किसी बहुत सिवियर परेशानी का सामना किया है लेट्स से टीबी और कैंसर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट तभी भी आपका वेट काफी नीचे चला जाता है और इसको उठाने के लिए आपको बहुत सारा चेंज लाना होता है अपने लाइफ में अपने डाइट में एंड इट कैन ऑल्सो बी फिक्स तो परेशानी समझ में आ गई रीजन समझ में आ गए कॉजे समझ में आ गए व्हाट नेक्स्ट अब मैं आप लोगों के साथ एक पूरा दिनचर्या शेयर कर रही हूं एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज शेयर कर रही हूं जो कि अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो यू कैन हैव अ वंडरफुल चेंज इन योर बॉडी बिकॉज आई हैव हैड देम तो मैं वाउच कर सकती हूँ इन सभी चीज़ों के लिए बिकॉज आफ्टर अडॉप्टिंग ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ स्टाइल बिलीव मी आई सॉ अ ट्रिमेंडस चेंज एंड ऑबियसली फॉर द बेटरमेंट मेरा फिजिक काफी चेंज हो गया था आई वॉज रियली 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 हैप्पी सबसे पहली चीज वाई मॉर्निंग ड्रिंक जी हाँ आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग ड्रिंक इमीडिएटली आफ्टर माई स्कूलिंग एंड दैट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स मेरा डाइजेशन इंप्रूव हुआ मेरा बहुत ज़्यादा मेरा स्किन आ, अच्छा हो गया मेरे बहुत पिंपल्स थे मैंने आप लोगों को अपनी स्किन केयर में भी बताई थी ये बात कि बहुत पिंपल प्रोन होने की वजह से द मॉर्निंग ड्रिंक एक्चुअली चेंजड इट बिकॉज मॉर्निंग ड्रिंक में जब आप गर्म पानी पीते हैं कुछ भी आप आंवला एलोवेरा पीते हैं आप कुछ भी पीते हैं नहीं पीते हैं तो सिर्फ गर्म पानी पी लीजिए इट क्लियर्स योर गट एंड वंस योर गट इज क्लीन एवरी परेशानी इन योर बॉडी इज एप्सिल्यूटली क्लीन क्योंकि आपका ब्लड क्लीन होने लगता है

सबके हाथ में फोन है आजकल देखिए कि हाई डाइट प्रोटीन क्या क्या है जस्ट ढूंढिए और आपके लाइफ में आपके घर में जो चीजें बनती हैं उनमें से क्या क्या चीजें आपको सूट करती हैं वो ब्रेकफास्ट आप बनाइए एंड हैव इट विद ऑल योर लव बिलीव मी ब्रेकफास्ट विद समथिंग मैं कितना भी लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए बट आई यूज टू हैव इट विद ऑल माई हार्ट मैं बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट अच्छे से यू नो विद फुल स्टमक आई यूज टू गो

काज वट एवर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो अपने पास रखिए अपने बैग में ऑल द टाइम जब भी खाने का मन करे तो कचरा खाने से अच्छा है कि आप ये खाइए इसीलिए आप इन चीजों से अपनी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड कीजिए सो नट्स ड्राई फ्रूट्स बेरीज कुड बी अमेजिंग फोर यू नेक्स्ट इज योर चॉकलेट मतलब बहुत मतलब आप समझते हैं बहुत पसंद है तो जब मैं अपना वेट बढ़ा रही थी तब तो मैंने नॉर्मल चॉकलेट्स खाई हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल थी लेकिन जब मैं ओवर हो गई थी तब मैंने स्विच किया है डार्क चॉकलेट पे और अब मैं डार्क चॉकलेट्स ही खाती हूँ सिर्फ विच इज़ वेरी हेल्दी तो जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं यू नो वो आर इंटेंडिंग टू गेन वेट आई वुड सजेस्ट अभी से डार्क चॉकलेट ही स्टार्ट कीजिए क्यों क्योंकि जो मार्केट बेस्ड चॉकलेट्स हैं उनमें बहुत शुगर है बहुत ज़्यादा शुगर है तो ऐसा नहीं है कि शुगर गलत चीज है अमृत में शुगर डालते हैं भैया कभी गलत नहीं हो सकता लेकिन यू नो एक्सेसिव शुगर इज समथिंग नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर तो आई वुड सजेस्ट कि जब स्टार्ट ही करना है अगर करना है तो डार्क चॉकलेट्स इज समथिंग वेरी गुड फॉर योर स्किन फॉर योर हेयर फॉर यू नो द क्रेविंग्स ऑफ शुगर्स वो भी उससे फिक्स हो सकती है नेक्स्ट इज योर नो वाटर बिफोर द मील बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है होता क्या है कि मेरी आदत थी कि खाने से पहले पानी पी लेना और फिर खाना खाना तो स्टमक में आधा पोर्शन तो आपने वैसे ही पानी डाल दिया तो खाना अब आप कम खाएंगे राइट तो अब आप खाने से पहले पानी कदापि नहीं पिएंगे आप सिर्फ जम के पहले खाना खाएंगे और खाने में भी प्लीज मेक श्योर कि पहले प्रोटीन कॉन्टेंट पूरा ले लेंगे कई बार होता है ना कि आधा खा के बोलते हैं अब मन नहीं कर रहा तो उसमें प्रोटीन ना छूट जाए इसीलिए प्रोटीन पी फॉर प्रोटीन पी फॉर पल्सेज याद रहेगा दालें दाल इज रियल प्रोटीन फॉर योर बॉडी तो दालें आप पहले पूरा खा लीजिए रोटी खाने का मन नहीं भी है एफेटॉल वैसे तो प्रॉपर पूरा खाना खाइए पर अगर नहीं है तो वो छोड़िए दाल तो खानी है प्रोटीन पूरा खा लीजिए पहले उसके पीछे से आप वेजीज एंड सैलेड एंड वट एवर यू वॉन्ट टू हैव यू कैन हैव इट बट प्रोटीन जितना भी आपने थाली में लिया है हैव इट अनदर थिंग कुड बी प्लीज अपनी थाली बड़ी करके देखो एक बार इट्स ये ब्रेन जो है ना इतना बुद्धू है आप बहुत आसानी से इसे बुद्धू बना सकते हो वेट लूज करना चाहते हो तो छोटी प्लेट ले लो और वेट गेन करना चाहते हो तो बड़ी प्लेट ले लो जब आप बड़ी प्लेट लोगे तो आपको लगेगा अरे कम खाना लिया है आप और खाना लेने लगेंगे और ये हो बिलीव हंस रहे हो आप बिलीव मी ऐसा होगा करके देखिए इट इट हैज हैपन टू मी यू नो जब बड़ी प्लेट होती है आई रियली फील कि यार कुछ कमी है तो सैलड भी डाल लो ये भी डाल लो एंड इट वर्क इट रियली वर्क प्लीज ट्राई टू डू इट नेक्स्ट इज योर डेरी कंजम्पशन अगर आप दूध वगैरह पीते हैं बिलीव मी फुल क्रीम पे शिफ्ट हो जाइए और कंप्लीटली उसी पर रहिए शेक बनाना है शेक बनाइए नॉर्मल दूध पीना है वही दूध पी लीजिए जो कुछ भी करना है फुल क्रीम मिल्क के साथ ही होगा नेक्स्ट बी एड क्रीम टू एवरी पॉसिबल थिंग आप फ्रूट सैलेड खा रहे हो उसमें क्रीम डाल लो आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें क्रीम एंड चीज बिलीव मी मैं चीज की इतनी दीवानी हो गई थी ना कि जो चीज क्यूब्स आती हैं आई यूज टू हैव इट जस्ट लाइक दैट आई नो इट्स नॉट हेल्थी एंड तभी तो फिर ओवर वेट हो गए थे तो लेकिन थोड़ा सा वेट बढ़ाने के लिए क्रीम एंड चीज कूड बी समिंग मैजिकल फोर यू आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा ये सारी चीजें एंड दिस कुड बी वेरी वेरी टेस्टी ऑल्सो एंड वेरी अमेजिंग फॉर योर वेट ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप अपने बेवरेजेस में यानी कि जहां जहां पर आप ड्रिंक्स लेते हैं वहां पर आप एक मील उसमें ऐड कर दीजिए एंड बिलीव मी इट विल मेक अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस जो आप थ्री मील्स अ डे ले रहे हैं वो फाइव पोर्शन मील बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा एंड इट विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर हमें वेट बढ़ाना है हमें ओवर वेट नहीं होना है मैंने वेट बहुत बहुत ग्रेसफुली बढ़ाया आई हैड द परफेक्ट फिगर एंड फिजिक फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉज रियली हैप्पी डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड दैट वॉज ऑल बिकॉज आई शिफ्ट टू अ हेल्दी लाइफ इन सभी चीजों के साथ साथ आप लोगों को एक्सरसाइज भी करनी है बिलीव मी जब मैं अपना वेट गेन कर रही थी मैंने जिम में एनरोल किया एंड इट डिड नॉट हेल्प मी आउट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं मैंने सोचा था वेट ट्रेनिंग करके शायद यू नो लिटिल बिट ऑफ मसल्स विल कम आउट पर कुछ नहीं हुआ मैंने घर पर नॉर्मल पीटी जंपिंग जैक्स एंड यू नो सिंपल योगा किया एंड इट ब्रॉट अबाउट द ब्यूटिफुल चेंज दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड मेरा फिजिक बहुत इम्प्रोवाइज हुआ फॉर द गुड एंड आई रियली लव्ड माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट वॉज रियली रियली ग्रूमिंग योर सेल्फ यू नो इट इज़ वेरी एम्पावरिंग सिर्फ कंसिस्टेंसी इज द की बिलीव मी एक दिन किया दो दिन किया तीन दिन किया चौथे दिन बोला अरे कुछ नहीं होता है ऐसे नहीं करना प्लीज़ एक महीना लगातार इस लाइफ स्टाइल को फॉलो करके देखिए एंड आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको सिवियर चेंज दिखने लगेंगे ऑब्वियसली गुड चेंज दिखने लगेंगे जो कि आपके वेट गेन के टूवर्ड्स होगा अगर एक किलो भी बढ़ता है ना बिलीव मी इट इज अ पॉजिटिव साइन दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन कीप गोइंग एंड इट विल हेल्प यू आउट इन अबंडेंस। टू ऑल द ब्यूटिफुल पीपल आउदेयर जिन्हें कुछ नहीं समझना हमें बस खाने की लिस्ट दे दो कि यह क्या चीज़ें हम खा सकते हैं हम खा लेंगे और हो जाएगा हीयर इज द लिस्ट ऑफ़ फूड आइटम्स जो मेरे फेवरेट हैं जो मैंने उस टाइम पर दिल भर के यू you नो know, बहुत जी भर के खाए हैं अपना वेट गेन करने के लिए लेकिन अब नहीं खा सकते अब पोर्सन में खाना पड़ता है इन ऑर्डर टू बी यू नो फिट एंड हेल्दी एंड वट एवर लेकिन आपको वेट बढ़ाना है तो इन चीज़ों को जम के खाइए कोई टेंशन नहीं है और वेट बढ़े तो आपको पता है क्या करना है आपको वापस आके हम सबको बताना है दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प यू आउट एंड शेयर योर चेंजेस दैट यू हैव ब्रॉड दूसरों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हैव यू हैव वंडरफुल रिजल्ट फॉर योर सेल्फ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना जाने की कोशिश मत कीजिएगा मैं आप सभी से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में विथ समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो